मित्रों, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा कहाँ जाएगी, या फिर ये कि संसार में किए हुए किस पाप की आपको नरक में क्या सजा मिलेगी? अगर आपका उत्तर हाँ है तो बता दें कि सनातन धर्म के गरुड़ पुराण में आपकी इस तरह की सभी जिज्ञासाओं के उत्तर अच्छी तरह से समझाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा और नरक योनियों आदि के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्य युक्त प्रश्न पूछे, जिनके उत्तरों को संकलित कर ही ये पुराण रचा गया था। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर है गरुड़ पुराण के इसी अनमोल ज्ञान की एक संकलन प्रस्तुति। मित्रों, वैसे तो सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का विधान है, लेकिन अगर आपके मन में ये भी प्रश्न है कि क्या जीते जी गरुड़ पुराण को पढ़ना या सुनना उचित है, तो इसके उत्तर के साथ ही शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो की। नमस्कार, और द डिवाइन टेल्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। क्या जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच बातों का वर्णन किया गया है। मित्रों, अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्यु शैया पर होता है तो गरुड़ का पाठ कराया जाता है, और यही सब देखकर लोगों के मन में भय घर कर जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का ना तो पाठ ही कर सकता है और ना ही इसे अपने पास रख सकता है। परंतु मित्रों, सच यह नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरुआत में ही इसके पाठ करने से संबंधित महात्म्य के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्यादि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है, वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, या जो इसको लिखता है अथवा लिखाता है, या पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विद्यमान है, उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना की इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है। बंध्या स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान सुख ना मिला हो, वह पुत्र, कुंवारी कन्या सज्जन पति तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है। विद्यार्थी को विद्या, विजय गोशु को विजय, ब्रह्मत्यादि से युक्त पापी पाप से विशुद्धि को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, मंगल कामना करने वाला व्यक्ति अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति गुण, काव्य करने वाला अभिलाषी मनुष्य कवित्व शक्ति, और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त करता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ पुराण धन्य है, यह तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक श्लोक का पाठ करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही शत्रु का क्षय हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान कोई दूसरा पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। इस गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं, हरि ही शरण्य हैं, और वे हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता या इसका पाठ करता है, यह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो मित्रों, अब आप ही बताइए कि ये कैसे संभव है कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशुभ चीज हो? दोस्तों, अगर मेरी माने तो ये महज एक भ्रम है।
और कुछ भी नहीं। इसलिए बिना किसी भय के अगर संभव हो तो इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इस महापुराण का नियमित पाठ करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि मनुष्य जीवन और मृत्यु के बाद होने वाले रहस्यों को बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित रहते हुए किए जाने वाले कर्मों के बारे में बताया गया, अर्थात बताया गया है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा। इसके अलावा इस पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली सजाओं के बारे में भी बताया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि इस पुराण में वर्णित बातों को यदि संपूर्ण मानव जाति खुद में आत्मसात कर ले तो एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं कि हे नारायण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वह जीवात्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुँचती है। तब श्रीहरि गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकने और कई यात्राओं को सहने के बाद यमलोक पहुँचती है। आगे वो ये भी कहते हैं कि जब किसी जीव की मृत्यु नजदीक आती है तो सबसे पहले उसकी आवाज जाती है और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि के मिलने के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है, उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जिसके बाद मृत्यु के समय यमलोक से दो यमदूत आते हैं। यमदूतों को देखते ही आत्मा डर से हाहा करने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्यागती है वैसे ही यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पाश बांध देते हैं और फिर वो उस जीवात्मा को लेकर यमलोक चले जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो अगर मरने वाली जीवात्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा खुद अपने वाहन से लेने आते हैं, लेकिन अगर आत्मा पापी हो तो उसे गर्म वायु और अंधेरे के रास्ते से गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्यागा था। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से घुसने का प्रयास तो करती है, लेकिन यमदूत के पास से बंधे होने के कारण ऐसा कर नहीं पाती। आत्मा ना चाहते हुए भी अपनी अंतिम रस्मों को होते हुए अपनी आँखों से देखती है, यानी कि 12 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उसे यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसीलिए मित्रों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 13 दिनों तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन ही रहता है। इसके बाद शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य ने जीते जी गौदान किया होगा तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वो वैतरणी नदी पार करता है, अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यात्राओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिस कारणवश ये देखने में लाल प्रतीत होती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश सहना पड़ता है। इससे गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस होता है मानो जैसे कि कोई उसे इसमें डुबोना चाह रहा हो। वैतरणी नदी पार करते समय उसे पीर से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 34 दिन का समय और लगता है, जिसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नर्क में भेज दिया जाता है। इसके बाद आत्मा को सजा कैसे सुनाई जाती है और क्या क्या होता है, ये जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी एक दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इसीलिए मित्रों, अगर आप मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को नहीं भोगना चाहते तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते रहें, ये याद रखिए कि मरने के बाद कष्टों को भोगने के लिए आपके साथ वहाँ कोई नहीं होगा। कैसा दिखता है यमलोक का मार्ग? गरुड़ पुराण के धर्मकांड के अनुसार यमलोक का मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, परंतु पुण्य आत्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए भयदायक है। गरुड़ पुराण की माने तो यमलोक के मार्ग का विस्तार 86,000 योजन में है। जो मनुष्य जीवित रहते दान करते हैं वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं, और जो धर्म से हीन होते हैं वो उनको मृत्यु के पश्चात इस मार्ग में कई तरह की पीड़ा सहनी पड़ती है। पापी मनुष्य यमलोक के मार्ग में दीन भाव से जोर जोर से रोते चिल्लाते जाते हैं। इतना ही नहीं, यमराज के दूत भी इस मार्ग में पापी आत्म पर चाबुक आदि से
तथा अनेक प्रकार के आयुधों से उन पर आघात करते रहते हैं और वे इधर उधर भागते हुए बड़े कष्ट से उस पथ पर चल पाते हैं। वहाँ कहीं कीचड़ है, कहीं जलती हुई आग है, कहीं तपाई हुई बालू बिछी है तो कहीं तीखी धार वाली शिलाएं हैं, कहीं कांटेदार वृक्ष हैं और कहीं ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जिनकी शिलाओं पर चढ़ना अत्यंत दुखदायक होता है। उस मार्ग में कहीं कंकड़ हैं, कहीं ढेले हैं और कहीं सुई के समान कांटे बिछे हैं तथा कहीं बाघ गरजते रहते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य भांति भांति के क्लेश उठाते हुए यात्रा करते हैं। कोई पाश में बंधे होते हैं तो कोई अंकुशों से खींचे जाते हैं और किन्हीं की पीठ पर अस्त्र शस्त्रों की मार पड़ती है। इस दुर्दशा के साथ पापी उस मार्ग पर जाते हैं, किन्हीं की नाक छेद कर उनमें नकेल डाल दी जाती है और उसी को पकड़कर खींचा जाता है। कोई आंतों से बंधे रहते हैं और कुछ पापी अपने शिशन के अग्रभाग से लोहे का भारी भार ढोते हुए यात्रा करते हैं। उस मार्ग में कहीं विश्राम के लिए छाया और पीने के लिए जल तक नहीं है। अतः पापी लोग जानकर या अनजाने में किए हुए अपने पाप कर्मों के लिए शोक करते हुए अत्यंत दुख से इस मार्ग में यात्रा करते हैं। वहीं जो मनुष्य उत्तम बुद्धि वाले मानव धर्मनिष्ठ और दानशील होते हैं वे अत्यंत सुखी होकर धर्म लोक की यात्रा करते हैं। अन्न देने वाले स्वादिष्ट अन्न का भोजन करते हुए जाते हैं। जिन्होंने जलदान किया है वे भी अत्यंत सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते हैं। मट्ठा और दही दान करने वाले तत्संबंधी भोग प्राप्त करते हैं। साथ ही घृत मधु और दूध का दान करने वाले पुरुष सुधा पान करते हुए धर्म मंदिर को जाते हैं। साग देने वाला खीर खाता है और दीप देने वाला संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाता है। इतना ही नहीं, वस्त्र दान करने वाला पुरुष दिव्य वस्त्रों से विभूषित होकर यात्रा करता है। जिसने आभूषण दान किया है वह उस मार्ग पर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनाता हुआ जाता है। गोदान के पुण्य से मनुष्य सब प्रकार के सुख भोग से संपन्न होकर जाता है। घोड़े हाथी तथा रथ की सवारी का दान करने वाला पुरुष संपूर्ण भोगों से युक्त विमान द्वारा धर्मराज के मंदिर को जाता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष ने माता पिता की सेवा शुश्रूषा की है वह देवताओं से पूजित हो प्रसन्न चित्त होकर धर्मराज के घर जाता है। जो यतियों व्रतधारियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करता है वह बड़े सुख से धर्मलोक को जाता है। जो संपूर्ण भूतों के प्रति दया भाव रखता है वह द्विज देवताओं से पूजित हो सर्व भोग संबंधित विमान द्वारा यात्रा करता है। विद्या दान में तत्पर रहता है वह ब्रह्मा जी से पूजित होता हुआ जाता है। पुराण पाठ करने वाला पुरुष मुनीश्वरों द्वारा अपनी स्तुति सुनता हुआ यात्रा करता है। इस प्रकार धर्म परायण पुरुष सुख पूर्वक धर्मराज के निवास स्थान को जाते हैं और जब ऐसी पुण्यात्मा यमलोक के द्वार पर पहुंचती हैं, तो धर्मराज चार भुजाओं से युक्त हो शंख चक्र गदा और खड़ग धारण करके बड़े स्नेह से मित्र की भांति उस पुण्यात्मा पुरुष की पूजा करते हैं और इस प्रकार कहते हैं, हे बुद्धिमानो, मैं श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुषो, जो मानव जन्म पाकर पुण्य नहीं करता है वही पापियों में बड़ा है और वह आत्मघात करता है। जो अनित्य मानव जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वास्तु धर्म का साधन नहीं करता वह घोर नरक में जाता है। उससे बढ़कर जड़ और कौन होगा? यह शरीर यातना रूप है और मल आदि के द्वारा अपवित्र है। जिस पर विश्वास करता है उसे आत्मघाती समझना चाहिए। सब भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है। उनमें भी जो बुद्धि से जीवन निर्वाह करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में अच्छन बुद्धि वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। अचंचल बुद्धि वाले पुरुषों में कर्तव्य का पालन करने वाले श्रेष्ठ हैं और कर्तव्य पलकों में भी ब्रह्मवादी अर्थात वेद का कथन करने वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मवादियों में भी वह श्रेष्ठ कहा जाता है जो ममता आदि दोषों से रहित हो। इनकी अपेक्षा भी उस पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए जो सदा भगवान के ध्यान में तत्पर रहता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सदाचार और ईश्वर की भक्ति रूप धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्मात्मा जीव सर्वत्र पूजित होता है, इसमें संशय नहीं है। तुम लोग संपूर्ण भोगों के संपन्न पुण्य लोक में जाओ। यदि कोई पाप है तो पीछे यहीं आकर उसका फल भोगना। ऐसे दिव्य वचन कहने के बाद यमराज उन पुण्यात्माओं की पूजा करके उन्हें सदगति को पहुंचा देते हैं। वहीं पापियों को बुलाकर उन्हें काल दंड से डराते हुए फटकारते हैं। उस समय उनकी आवाज प्रलय काल के मेघ के समान भयंकर होती है और उनके शरीर की कांति कच्चल गिरी के समान जान पड़ती है। उनके अस्त्र शस्त्र बिजली की भांति चमकते हैं जिनके कारण वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। उनकी 32 भुजाएं हो जाती हैं
शरीर का विस्तार तीन योजन का होता है। उनकी लाल लाल और भयंकर आंखें बावड़ी के समान जान पड़ती हैं। सब दूत यमराज के समान भयंकर होकर गरजने लगते हैं। उन्हें देख पापी जीव थर थर कांपने लगते हैं और अपने अपने कर्मों का विचार करके शोकग्रस्त हो जाते हैं। उस समय यम की आज्ञा से चित्रगुप्त उन सब पापियों से कहते हैं, अरे ओ दुराचारी पाप आत्माओं, तुम सब लोग अभिमान से दूषित हो रहे हो। तुम अविवेकियों ने काम क्रोध आदि से दूषित अहंकार युक्त चित्त से किस लिए पाप का आचरण किया है? पहले तो बड़े हर्ष में भरकर तुम लोगों ने पाप किए हैं, अब उसी प्रकार नरक की यातनाएं भी भोगनी चाहिए। अपने कुटुंब मित्र और स्त्री के लिए जैसा पाप तुमने किया है उसी के अनुसार कर्मवश तुम यहाँ आ पहुँचे हो। अब अत्यंत दुखी क्यों हो रहे हो? तुम ही सोचो, जब पहले तुमने पापाचार किया था उस समय यह क्यों नहीं विचार किया कि यमराज इसका दंड अवश्य देंगे? कोई दरिद्र हो या धनी, मूर्ख हो या पंडित, और कायर हो या वीर, यमराज सबके साथ समान बर्ताव करने वाले हैं। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर वे पापी भयभीत हो अपने कर्मों के लिए शोक करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले क्रूर क्रोधी और भयंकर दूत इन पापियों को बलपूर्वक पकड़कर नरकों में फेंक देते हैं। वहां अपने पापों का फल भोगकर अंत में शेष पाप के फल स्वरूप वे भूतल पर आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं और इस तरह पापी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। कैसी दिखती है वैतरणी नदी? गरुण पुराण के धर्मकांड के प्रेतकल्प अध्याय के अनुसार एक दिन पक्षी श्रेष्ठ गरुण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें इस नदी में किस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है और पापी आत्मा इससे कैसे पार करते हैं? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे गरुण, यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक है और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। यह महाभयानक नदी पीव और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस और कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी पापियों को देखकर कई तरह के भयाक्रांत स्वरूप को धारण कर लेती है। पापी आत्मा के नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का जल पात्र के मध्य में घी की भांति तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, वज्रदंत तथा इनके ही जैसे अनेकों हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से भरी हुई है और नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वह 12 सूर्य की गर्मी के समतुल्य तपने लगती है। उससे उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगते हैं। ताप के कारण पापी आत्मा अपनों को पुकारने लगती है और जब कोई उसके पास नहीं आता तो वो उस भयंकर धूप में इधर उधर भागने लगती है और तब उसे ताप बर्दाश्त नहीं होता तो वह आत्मा उस दुर्गंधपूर्ण जल में डुबकी लगाती है और अपनी आत्मग्लानी से व्यथित होती है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुण, कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें मृत्यु के पश्चात इसी वैतरणी नदी में रहना पड़ता है, जैसे कि जो अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्ध जनों की अवमानना करते हैं उसे इसी महानदी में रहना होता है। इसके अलावा जो जीवात्मा अपने जीवन काल में अपनी पवित्रता, सुशीला और धर्मपरायण पत्नी का परित्याग करते हैं उनको सदैव के लिए उसी महाघिनौनी नदी के जल में वास होता है। साथ ही जो जीवात्मा जीवित रहते हुए अपने स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्ध का वध करते हैं वे इसी महानदी में ही गिरते हैं। साथ ही आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मद्य पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं की दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत की मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, कपिला का दूध पीने वाला, शुद्र तथा मांसभोजी ब्राह्मण मरने के बाद वैतरणी नदी में वास करते हैं। इन सब के अलावा अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतघ्न, गर्भपात करने वाला वैतरणी में निवास करता है। परंतु इन पापी जीवात्माओं में जिसने मकर और कर्क की संक्रांति, सूर्य चंद्र ग्रहण संक्रांति, अमावस्या,
अथवा अन्य पुण्यकाल के आने पर श्रेष्ठतम दान दिया हो, उसे एक निश्चित समय के पश्चात इस नदी से यमदूतों के द्वारा निकाल लिया जाता है। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि वे जीवित रहते दान करें और धर्म का संग्रह करें। इसके अलावा जो जीवात्मा जीवित रहते हुए गोदान करता है, यानी काले अथवा लाल रंग को दो काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करके ब्राह्मणों को दान दे देता है, उसे भी इस नदी की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गोदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोदान करने से मनुष्य उसी गाय की पूंछ पकड़कर उस नदी को पार करता है और उसे सुकर्म के प्रभाव से ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक धर्म का संग्रह करे, जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी तरह का कष्ट न झेले।